अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रखंड सिसई के पुराने ब्लॉक परिसर में JSLPS द्वारा महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी सिसई आजीविका महिला क्लस्टर संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति की सौजन्य से मंगलवार को सिसई पुराना ब्लॉक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर प्रखंड स्तरीय महिला मंडलों आम सभा बैठक आयोजित किया गया, जहां झारखंडी संस्कृति के गानों से अतिथियों को दीदियों के द्वारा गीत गाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ जीप अध्यक्ष किरण बाड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनीला खलको, CO अनुरेमा इक्का, डॉक्टर निशा तिवारी, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश उराव व प्रखंड अध्यक्ष रवि उराव ने दीप प्रज्वलित कर किया। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस है और आज सभी जगह बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं, पैदल से लेकर साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक आज महिला चला रही है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि आज पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के बहुत अपना भूमिका निभा रही है और आज निश्चित तौर पर यहाँ की जो आज यहाँ एक सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारी किसान महिला बहन भी है, JSLPS के माध्यम से अच्छा खेती बाड़ी कर रही है और विकास भारती बिशुनपुर के तत्वाधान में भी महिलाओं को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण देके खेती बाड़ी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और आज मतलब कुछ दिन पहले गुमला में 1200 महिला दीदी लोग का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी हम गए थे और उसमें महिला दीदी लोग एक एक दीदी इतना अच्छा खेती करके आय का स्रोत की है और अच्छा से अच्छा विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रही है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि आज महिलाएं किसी भी स्तर में कम नहीं है और आज महिला सशक्ति का एक देखने को मिल रहा है, जो बहुत भव्य तरीके से। निश्चित तौर पर पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और 15,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था, उसके बाद से महिलाओं को पूरी तरह से पैसा भी नहीं दिया जाता था, छुट्टी नहीं मिलता था, वो लोग का जो मजदूरी का काम करती थी, मजदूरी से उन लोग का एक आंदोलन हुआ था, मजदूर संगठन एक आंदोलन किया था और आज महिलाएं 18 साल से वोट भी दे रही है, महिलाओं को हर जगह सम्मान मिल रहा है। तो यही मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ और सभी के उज्ज्वल भविष्य की भी मैं कामना करती हूँ। और मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मेरा नाम किरण बाड़ा और मैं जिला परिषद अध्यक्ष और मैं भारतीय जनता पार्टी की भी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेषकर महिलाओं को लेके उनका जो समस्या था उसका निदान करते हुए महिलाओं को आगे लाने का जो प्रयास है उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है और बहुत खुशी की बात है कि महिलाएं आगे बढ़ीं, आगे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं। तो मैं सभी महिलाओं को जो पीछे हैं या आगे हैं सभी को आगे बढ़ने के लिए बधाई देती हूँ और हमेशा महिलाएं आगे बढ़ते रहें, अपने समाज को विकास के पथ पर आगे ले जाएं। आज ये जो कार्यक्रम जो है वो KBK और JSLPS के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है और इसमें हम लोग सभी उपस्थित हैं, विभिन्न महिला समूह के लोग भी उपस्थित हैं और आज के दिन यहाँ का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही आकर्षक है। हम लोग इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत सारे विकास योजनाओं से संबंधित भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।